में कहां गायब हो गया है, आखिर कहां गए ये बड़े बड़े रेसलर। बबलू टीवी पर एक बार फिर से खुशामदीद, मैं आपका होस्ट आतिश खान। 4 से 5 मैच ही देखने को मिले थे मगर साल 2024 में ये भी नहीं होंगे। जी हां, साल 2024 में रोमन सिर्फ 2 से 3 मैच ही रेसल कर पाएगा और हो सकते और फिर रोमन का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मगर फिर ये रेसलर घर नहीं बैठते बल्कि हॉलीवुड में एंट्री मारते हैं और रोमन रेंज तो पहले से ही हॉलीवुड में एंट्री मार भी चुके हैं। इसीलिए तो आजकल रोमन WWE में बहुत ही कम नजर आ, ज्यादा से ज्यादा अब 2 या 3 साल ही चलेगी फिर रोमन WWE से रिटायरमेंट ले लेंगे। मगर रोमन और दी रॉक की फाइट देखने का सपना अभी भी WWE यूनिवर्स अपने अंदर लिए बैठी है। सूत्रों की मानकर चलें तो WrestleMania 40 में हमें ये बड़ा मैच देखने को मिल सकता है। अब अगर बात कर लें जॉन सीना की तो जॉन सर तो रोमन से भी ज्यादा बूढ़े हो गए हैं और WWE ने इन्हें 1 साल का अल्टीम दे दिया है। जी हां, जॉन सीना इसी साल के WrestleMania 40 में अपनी रिटायरमेंट का रेसलर बन सके। इसीलिए तो सोलो सिकवा जैसे बच्चे भी जॉन सीना को हरा कर चले गए। तो फिर यही हुआ आज की इस वीडियो का एंड। अब मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।